गाइस वेलकम टू आवर चैनल क्रिक जी। और आज हम आ चुके हैं मेरठ की वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट एकेडमी, विक्टोरिया पार्क क्रिकेट एकेडमी। मेरठ की नहीं, इंडिया की बेस्ट बोलना चाहूँगा मैं इसको, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा टैलेंटेड फास्ट बॉलर्स निकलते हैं। तो गाइस आज मैं आपको विक्टोरिया पार्क का एक छोटा सा टूर कराऊंगा और इस एकेडमी के बारे में आपको बताऊंगा कि आप कैसे आ सकते हैं, कौन सी लोकेशन पे है, क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, कोचेस कैसे हैं। तो गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे अच्छी बात इस क्रिकेट एकेडमी की यह है कि यहाँ पे स्पेस बहुत सारा है, आप 1000-2000 बच्चे एक साथ खेल सकते हैं। 3 फुल साइज क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, एक ग्राउंड के अंदर रणजी ट्रॉफी मैचेस होते हैं। ये वाला ग्राउंड जिसके अंदर अभी हम हैं, यहाँ पे लोग फिटनेस करते हैं और ये प्रैक्टिस मैचेस के लिए। देन एक जिसके अंदर एथलेटिक्स है एंड एथलेटिक्स के अंदर लोग अपना फिजिकल ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग वगैरह सब करते हैं। तो गाइस यहाँ के क्रिकेटर्स क्यों बाकी एकेडमी से जल्दी इम्प्रूव करते हैं और नेचुरली टैलेंटेड होते हैं। सबसे बड़ा रोल तो देखो यहाँ पे कोच का है, संजय रस्तोगी सर का। संजय रस्तोगी सर की सबसे अच्छी बात यह है कि वो प्लेयर्स का नेचुरल कभी ख़राब नहीं कराते। आप बहुत सारे अकेडमीज़ में देखते हो कि प्लेयर्स के बेसिक्स के चक्कर में नेचुरल जो था उनका एक्शन था या कुछ भी सो ऑन, वो छिड़वा देते हैं कोचेज। उसकी वजह से उनको टाइम लग जाता है, 1-2 साल एज निकल जाती है, बहुत टाइम ख़राब होता है। तो संजय रस्तोगी सर क्या करते हैं, जो उनके नेचुरल है, किसी का एक्शन है या किसी का बैट स्विंग है, जैसा नेचुरल है वैसा ही रखेंगे, थोड़ा सा चेंज कराते हैं बेसिक्स के हिसाब से। बट ऐसा नहीं कि इतना ड्रास्टिक चेंज करा दिया कि उसको सपोज करो इन स्विंग खेलने में दिक्कत हो रही है, इन स्विंग भूल गया है, आउट स्विंग डल रही है। तो ये सब चीज़ों का सर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जिसकी वजह से प्लेयर्स अपने नेचुरल को इम्प्रूव करते हैं। और अगर मैं मानता हूँ कोई क्रिकेटर अपना नेचुरल इम्प्रूव कर लेता है, उससे ज़्यादा टैलेंटेड कोई नहीं हो सकता। तो आपने नाम सुने होंगे, प्रवीण कुमार भैया हमारे, भुवनेश्वर कुमार जी हैं, इन सबके पास नेचुरल स्विंग है। और नेचुरल स्विंग जैसी इनके पास है, पूरे इंडिया में आज तक किसी के पास नहीं आई, क्योंकि सब लोग NCA जाते हैं, ZCA जाते हैं, एक्शन में चेंजेस करते हैं। उससे क्या होता है, जो नेचुरल रिदम है, नेचुरल फ्लो है, वो ख़राब हो जाता है। ऐसे ही आप बहुत जल्द देखोगे यहाँ के बैट्समैन बहुत सारे आगे आने वाले हैं, जो UP में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रेलवेज से खेल रहे हैं, बाकी स्टेट से भी खेल रहे हैं। विक्टोरिया पार्क के ऑलमोस्ट सारे क्रिकेटर्स बोर्ड ट्रॉफी खेल रहे हैं। गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि क्या डिफरेंस है इस एकेडमी में और बाकी एकेडमीज़ में। यहाँ पे मैच सिमुलेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ज़्यादातर प्लेयर्स क्या करते हैं, पूरे दिन नेट्स पर प्रैक्टिस करते हैं, नेट पर बॉलिंग डालते हैं, मैच में जाते हैं तो उन्हें डर लगता है। यहाँ पे संजय सर 365 डेज मैचेस कराते हैं, प्लेयर्स को बोलते हैं कि आप मैच सिमुलेशन करो, मैच की प्रैक्टिस करो। तो गाइस इससे प्लेयर्स इतने मेंटली टफ हो जाते हैं, उनको फील्ड कहाँ लगानी है, कंडीशंस, क्योंकि आप 365 डेज खेल रहे हो तो आपको सर्दियों का भी पता है कि विकेट कैसा बिहेव कर रही है, गर्मियों का पता है विकेट कैसे बिहेव कर रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करते हो। बल्कि एक बाकी अकेडमियों की मैं बात करूँ, एक नया बच्चा जो अंडर 14-16 में जाता है, उसने आज तक कितने मैचेस खेले होंगे, 100-50 अपनी अकेडमी में खेले होंगे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 ग्राउंड हैं, सबकी टर्फ विकेट अलग है। अंदर ग्राउंड है जो रणजी ट्रॉफी मैचेस होते हैं जिसके अंदर, वो एकदम लश ग्रीन ग्राउंड है, उसकी ग्रीन टॉप विकेट है, तो ग्रीन टॉप पे प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। इस ग्राउंड की विकेट है, ये हर बारी आपको मौसम के हिसाब से अलग मिलेगी। यहाँ पे आपको कभी डैम्प मिलेगी, कभी बहुत ड्राई मिलेगी, कभी टर्निंग होगी, कभी फ्लैट होगी, क्योंकि रविंदर चौहान सर हैं यहाँ के पिच क्यूरेटर। रविंदर चौहान सर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट पिच क्यूरेटर्स हैं, जो पूरा दिन अपना इस ग्राउंड में बिताते हैं, ग्राउंड को देख रेख करने में, संभालने में। 15 से ज़्यादा नेट्स हैं जो हर रोज़ पूरा दिन जिन पर प्रैक्टिस करते हैं क्रिकेटर्स, और सारे नेट्स एकदम परफेक्ट विकेट्स हैं, इवन बाउंस। फुल साइज ग्राउंड है, आपको ये नहीं कि छोटी बाउंड्री पे खेलना है, ऑफ साइड शॉट है, लेग साइड शॉट है, फुल साइज ग्राउंड, प्रॉपर आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे आपकी ग्रास कटिंग मशीन्स हैं, वो भी ऑटोमेटिक है सब, ड्रेनेज सिस्टम है, प्रॉपर है, पानी नहीं भरता है ग्राउंड में। अब मैं आपको थोड़ा सा एक टूर कराता हूँ और आपको मैं विक्टोरिया पार्क दिखाता हूँ, आइए चलते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा अपने व्हाट्सएप, फेसबुक सब जगह पे, और कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज़रूर फॉलो करो।